दोस्तों, बिना उद्घाटन के एक नए रूट पर चलने जा रही है नई वंदे भारत ट्रेन, एंड इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर कौन है रूट और क्या वजह है कि बिना उद्घाटन के वंदे भारत को भारतीय रेलवे इस नए रूट पर उतारने जा रही है। तो पूरा डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। और इस पर कितने कोच वाली वंदे भारत चलेगी, हफ्ते में कितने दिन इसकी सेवा मिलेगी, सभी चीजें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो यहां पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, उद्घाटन अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरे देश में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि भारतीय रेलवे बिना उद्घाटन के इस नए रूट पर नई वंदे भारत को उतारने के लिए बेताब है? तो दोस्तों, एक्चुअली इसके पीछे का जो वजह है वो है हाई डिमांड। क्योंकि दोस्तों, ये जो रूट है जिस पर नई वंदे भारत चलने वाली है, इस पर वंदे भारत का जो डिमांड है वो रेलवे बोर्ड के पास काफी ज्यादा ही जा रही है। और इस रूट के जो लोग हैं वो यहाँ पर ज्यादातर एसी कोच में ट्रेवल करना पसंद करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि इस पर हमारी जो चेयर कार वाली वंदे भारत है वो भी एक फुली एसी गाड़ी है, इसीलिए इसका जो डिमांड है इस रूट पर वो काफी ज्यादा आ रहा है रेलवे बोर्ड के पास। और यही वजह है कि भारतीय रेलवे बिना उद्घाटन के ही इस रूट पर इस नई वंदे भारत को उतारने के लिए तैयारी कर रही है। वहीं दोस्तों, जो रिपोर्ट है उसे हमें पता चला है कि इसका उद्घाटन अभी होने वाला नहीं है, तो इसे एज ए स्पेशल वंदे भारत भारतीय रेलवे इस रूट पर उतारेगी। और उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद इस वंदे भारत का जो प्रॉपर इनॉग्रेशन है वो इस रूट पर कर दिया जाएगा और इसको एज ए परमानेंट वंदे भारत इस रूट पर चलाया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कौन सा रूट है कि इस पर डिमांड को देखते हुए इस वंदे भारत को शुरू करने की प्लानिंग हो रही है। तो दोस्तों, एक्चुअली ये जो रूट है ये है तिरुचि से बेंगलोर वाला, और यहाँ पर तिरुचि से बेंगलोर के बीच में इस वंदे भारत को शुरू करने का जो काम है वो भारतीय रेलवे करने वाली है। और खासकर दोस्तों, ये जो गर्मियों की छुट्टी का समय है इसमें वंदे भारत चलाने की जो मांग है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों, अगर फिलहाल की बात करें तो चेन्नई से तिरुनेलवेली वंदे भारत ट्रेन जो तिरुचि शहर वाला क्षेत्र है वहां से होकर गुजरती है, और ये जो वंदे भारत है जो कि फिलहाल इस रेलवे स्टेशन से गुजरती है, इसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला है तिरुचि के पैसेंजर की तरफ से। यानी कि इसे हम साफ साफ कह सकते हैं कि डिमांड काफी ज्यादा है। दोस्तों, बेंगलुरु में काम करने वाले निवासी और आईटी पेशेवर राधिका कुमारी के अकॉर्डिंग, अगर वे कम से कम शुक्रवार और रविवार को तिरुचि और बेंगलुरु के बीच में वंदे भारत का जो सर्विस है उसको अप्रूवल करते हैं तो यह वीकेंड में अपने होम टाउन आने वाले जो लोग हैं उनको काफी मददगार साबित होगी। दोस्तों, बेंगलुरु में काम करने वाले लोग एसी ओमनी बसों और एयरलाइन का जो ऑप्शन है उसको अभी चुनते हैं क्योंकि तिरुचि और बेंगलुरु के बीच केवल दैनिक ट्रेन सेवा अवेलेबल है। अगर भारतीय रेलवे वंदे भारत शुरू करता है तो ऐसे में यात्री ट्रेन के लिए आसानी से बुकिंग करेंगे और एक बड़ी संख्या में जो बुकिंग है वो इस वंदे भारत में देखने को मिलेगा। बेंगलुरु में काम करने वाले एक अन्य निवासी अनाथी एम ने कहा कि संपर्क करने पर एक रेलवे अधिकारी ने कहा कि एसी ट्रेन सेवा स्पष्ट रूप से उच्च बुकिंग को आकर्षित करेगी क्योंकि गर्मी के महीनों के दौरान आरामदायक यात्रा पसंद करने वाले कई लोग इसका जो विकल्प है वो अपनी तरफ से चुनेंगे। लेकिन इस कदम से जो रूट की क्षमता है इसके बारे में भी स्पष्ट जो जानकारी है वो मिलने की संभावनाएं नहीं है। तो आइए दोस्तों, इस रूट के बारे में आखिर रेलवे ने क्या कहा है वो हम जान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे, हम पहले ऐसी सर्विस या उस मामले के लिए किसी अन्य गंतव्य की क्षमता के बारे में एक जो विचार है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। पहले इस पर ट्रायल करना बेहतर है, और ये जो सभी जानकारी है वो रेलवे से मिली है। और इसके अलावा शहर में स्थित ट्रेवल ऑपरेटर एन रमेश ने कहा कि रेलवे को गर्मियों के दौरान तिरुचि से वंदे भारत सेवा की संभावनाएं के बारे में जो स्पष्ट जानकारी है वो नहीं मिल पाएगी क्योंकि इस मौसम में कई लोग इसका विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन जब गर्मियों का सीजन खत्म हो जाएगा तब इस रूट पर वंदे भारत का कैसा रिस्पॉन्स आता है, सीटें बुक हो पाती है या फिर नहीं, इसमें अभी जो क्लियरिफिकेशन है वो नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, इस गर्मी के सीजन में पहले से ही एसी कोच की जो भारी मांग है वो इस रूट पर बनी हुई है, और इस रूट के अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट रूट है सभी रूट पर ही एसी कोच की जो डिमांड है वो अभी के टाइम में बढ़ चुकी है। वंदे भारत स्पेशल सेवा चलाने से रेलवे को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा इंडिगो पहले से ही तिरुचि बेंगलोर दैनिक उड़ान सेवा संचालित कर रही है, जिससे साबित होता है कि ये जो रूट है इस पर अर्निंग का पोटेंशियल है। इसको लेकर जो जवाब में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि हम ये जो रूट है इस पर वंदे भारत को एज ए स्पेशल बनाकर चलाने पर विचार कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, रेलवे चाहती है कि पहले एज ए टेस्टिंग के लिए एक स्पेशल वंदे भारत को तिरुचि से बेंगलोर के बीच में उतारा जाए, और यहाँ पर कुछ महीने चलाने के बाद इस रूट पर जो वंदे भारत का रिस्पॉन्स है वो आसानी से पता चल पाएगा। और यहाँ पर स्पेशल वंदे भारत चलेगी तो यहाँ पर कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए इस गाड़ी को भारतीय रेलवे लेकर आएगी। तो यहाँ पर अगर गर्मियों को सीजन खत्म होता है और तब के टाइम में वंदे भारत का जो डिमांड है वो इस रूट पर घट जाता है, तो आसानी से स्पेशल वंदे भारत चलाने की वजह से भारतीय रेलवे इस स्पेशल वंदे भारत का जो सर्विस है उसको बिल्कुल इजीली स्टॉप भी कर सकती है। यानी कि तिरुचि से बेंगलोर के बीच में अभी फिलहाल के लिए स्पेशल वंदे भारत ही भारतीय रेलवे लेकर आने वाली है, क्योंकि भारतीय रेलवे इस रूट को
अच्छी तरह से परखना चाहती है कि इस पर परमानेंट वंदे भारत कितनी हद तक सक्सेसफुल साबित हो सकती है। लेकिन अभी की अगर करेंट सिचुएशन देखें तो तिरुचि से बेंगलोर वाले रूट पर वंदे भारत का डिमांड काफी हाई है और इसका फायदा उठाने के लिए भारतीय रेलवे बहुत जल्दी ही इस रूट पर स्पेशल वंदे भारत को लेकर आने वाली है। क्योंकि दोस्तों ये जो रूट है, इस रूट से ऑलरेडी हमारी चेन्नई से तिरुनेलवेली जाने वाली जो वंदे भारत है वो इस रेलवे स्टेशन से गुजरती है और पहले से इस रूट पर चल रही जो वंदे भारत है इसमें तिरुचि रेलवे स्टेशन से बोर्ड करने वाले जो यात्रियों की संख्या है वो भी अच्छी खासी है, जिसको ध्यान में रखते हुए तिरुचि के लिए अलग से एक स्पेशल वंदे भारत को भारतीय रेलवे लेकर आने वाली है बेंगलोर के लिए और इसीलिए इसका कोई इनॉग्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्ट ही इसका जो सेवा है उसकी शुरुआत भारतीय रेलवे कर देगी इसे पूरे रूट पर। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि तिरुचि से बेंगलोर वाले रूट पर वंदे भारत को चलाना चाहिए या फिर नहीं, और अगर चलाना चाहिए तो इसका जो स्टॉप है वो किस किस रेलवे स्टेशन पर होना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं आपका राय जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। और यही था दोस्तों आज का अपडेट, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में पूछिए और आगे इसको लेकर कुछ नया अपडेट मिलता है तो आपको मैं फिर से अपडेट करता रहूंगा। और फिलहाल आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।